महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दफ्तर पहुंचते ही महिला कार्यकर्ताओं के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं आज देश की हर माता, बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि-कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई दे